हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं आज आप लोगों के साथ समर, जो समर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग गर्मी है, इतना दिक्कत हो रही है, इतना परेशानी हो रही है इतनी गर्मी में, तो आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आप लोग डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से बचना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि गर्मी में जब भी आप कभी बाहर निकलिए, जब भी कोई भी निकले, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, तो आपको पानी तो लेकर चलना ही है, आपके साथ अपने एक बॉटल भी लेके जानी है, बॉटल पीने वाला पानी, अच्छा पानी लेकर जाना है, क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरह का पानी, कहाँ जा रहे हैं आप, वहाँ पानी मिले ना मिले, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स वहाँ पर पानी की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको पानी लेकर जाना चाहिए। और अगर बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने जो भी आपके पास सनस्क्रीन जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो ज़रूर लगा के जाइए, चाहे मेल हो या फीमेल। तो इससे क्या होगा, आपको सन टैनिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी सन से कोई परेशानी नहीं होगी, और हमेशा अपने जितने जो भी आप बॉडी पर जो भी आप क्लॉथ पहनते हैं, वो हमेशा फुल स्लीव्स के ही क्लॉथ पहनिए। फुल स्लीव के आप पहनेंगे तो आपकी स्किन तो बची ही रहेगी, और साथ ही आपको अगर पसीना भी आएगा, स्वेटिंग भी होगी, तो आपकी स्किन और जो कपड़े होंगे वो ऑब्जर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सनस्क्रीन लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद पानी भी पीकर भी जाना है, लेकर भी जाना है, और अपने पेट को भरा हुआ रखना है। हमेशा कहीं भी जाइए, अगर आप कुछ भी मन कर रहा है तो कुछ भी खाइए मत, तला भुना हुआ जो भी कुछ भी हो, फ्राइड कुछ भी मत खाइए बाहर जाइए तो। आप हमेशा जूसेस लीजिए, जूस बहुत अच्छे होते हैं, और जहाँ तक हो सके फ्रेश जूस लीजिए, और नहीं तो आप घर पर जो बना हुआ जूस होता है, या फिर आप फल रख के ले जाइए, या फिर आप जूस भी ले सकते हो बाहर, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हाँ, आप कहीं से भी आएँ, घर पर जब भी आते हैं, तो हमेशा अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गरम गरम सा लग रहा है, तो आपको रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। रोज़ वाटर से आप अगर इस्तेमाल कर लेंगे अपने बॉडी पर, तो आपकी जितनी भी, अगर आपको हल्की फुल्की भी टैनिंग हो रखी होगी, अगर ज़्यादा भी हो रखी है तो भी उससे कम हो जाएगी, और आपको जो स्किन को ठंडक भी मिल जाएगी, और आपको फ्रेश फ्रेश फील होगा। और ये सेकंड टिप हो गया। और मैं बताती हूँ कि आपको हमेशा ही हमेशा इस तरह से चलना है कि आपकी किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थर्ड क्या होता है कि आपको हमेशा जब भी आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, 5 से 8 मिनट्स तक वेट करिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास आइस क्यूब्स होंगे, आइस क्यूब्स के क्या होगा करेंगे आप लोग, कि अपनी बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करेंगे, जितना भी जो एरिया खुला हुआ होता है वहाँ पर आइस से मसाज कर लीजिए धीरे धीरे, तो आपकी जो स्किन होगी वो तो हेल्दी हो ही जाएगी, और एक ग्लो भी आ जाएगा आपके फेस पर, रिफ्रेश हो जाएंगे आप लोग, और अच्छा स्किन भी अच्छी हो जाएगी, और आपकी जितनी भी गंदी होगी, जो भी स्वेटिंग वगैरह, और जो भी आपकी स्वेटिंग से जो आपके ओपन पोर्स हो गए होंगे, वो भी क्लोज हो जाएंगे। तो ये है थर्ड टिप। और फोर्थ टिप क्या है आपके लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा जब कहीं से बाहर से आते हैं तो बहुत, क्योंकि इतना समर में इतना गर्म, इतनी गर्मी लगती है, इतना गर्म गर्म लगता है कि ऐसा लगता है कि क्या करें, कितनी बार नहाएंगे, कितनी बार बॉडी वॉश करेंगे। तो इससे क्या हो, आप जब भी आए कहीं से भी बाहर से, तो आप क्या करो कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लीजिए। फ्रेश जो होता है ना, आपके पास लीव हो पेड़ का, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप जब भी कहीं जाएं, तो उससे पहले आप बाहर जाने से पहले एक पत्ते को फ्रिज में रख कर जाइए, और फ्रिज से जब आएंगे तो उसको निकाल के आप उसको साइड से कट कर लीजिए, और उसका जेल निकाल लीजिए,
टू पार्ट करेंगे। टू पार्ट से आप जहाँ भी आपकी जो भी जलन हो रही है, जहाँ जिस एरिया पे आपको बॉडी पर जलन हो रही है, इरिटेटिंग हो रही है, तो वहाँ पर आप रब कर लीजिए, तो आपकी जलन भी शांत हो जाएगी और बहुत ही रिफ्रेश हो जाएंगे। और आपकी स्किन में जो डलनेस होगी, जो ड्राई हो रही होगी, जो आपकी मतलब बहुत ही गंदी वाली सी स्किन इरिटेट हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही है मेरे, जो मैं कह रही हूँ वैसा आप करके देखिए। एक बार करेंगे ना तो आप जरूर हमेशा इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेंगे। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी किसी भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको हमेशा खुश रहना है। खुश रहेंगे तो आपको तो ग्लो हो रहेगा ही आपके फेस पर, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आप हेल्दी भी महसूस करेंगे। और हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपनी बॉडी को अच्छे से रखिए, केयर कीजिए अपने हर एक पार्ट के। अपने बालों को हमेशा ढककर रखिए, जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो बालों को पूरा कवर कर लीजिए और अपने फेस को कवर करके हमेशा बाहर निकलिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको आप ये फॉलो करते हो पहले से या नहीं। और अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ अब आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आप नहीं करते हो फॉलो इस तरह की चीज़ें, तो आप जब करेंगे ना तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ ये तो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप करते हैं ये सब या नहीं करते। और नहीं करते तो प्लीज़ करिए, नहीं करते हैं तो भी आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। आप मेरा जो वीडियो है उसको आप जो स्लाइड करेंगे ऊपर की साइड करेंगे, तो क्या होगा, जैसे ही मेरा वीडियो आप उसको पॉज करिए और ऊपर की साइड उसको जाइए तो कमेंट लिखा आ जाएगा। कमेंट लिखा आएगा तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, कमेंट आप नीचे कर सकते हो, कुछ भी आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, क्या देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते हो, इस बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही है और कौन सी बात बुरी लग रही है, हर तरह के आप कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने जो बोला था कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, तो वो आप करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करेंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। जो और जो भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या देखना चाहते हो, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, आपकी स्किन की क्या प्रॉब्लम है, आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपके ईयर्स में ईयर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, तो ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर, अगर मेरा वीडियो जो लोग नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते, लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, वॉच कीजिए मेरे वीडियोस, वॉच करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा मैं कैसे किस तरह के वीडियो बना रही हूँ। तो वॉचिंग कीजिए मेरे वीडियोस, और मैं जितने फेशियल बता रही हूँ उनको एक एक करके ट्राई ज़रूर कीजिए। और जो मैं फेस पैक बता रही हूँ समर्स के लिए, वो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए, क्योंकि देख लीजिए मेरे फेस पर ग्लो। और मैंने कल एक अपलोड किया था एक वीडियो गोल्ड फेशियल का, तो वो फेशियल बहुत ही इफेक्टिव है गाइस, बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स आप लोग उसको ज़रूर करिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप यूज़ नहीं करेंगे कोई चीज़, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस तरह की वीडियो बना रही हूँ और क्या कह रही हूँ आप लोगों से। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह के अच्छी चीज़ बना रही हूँ या ख़राब चीज़ बना रही हूँ। तो आप देखिए और मुझे बताइए और करिए, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, और आप घर में आप भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मम्मा भी यूज़ कर सकती है, आपकी बहन भी यूज़ कर सकती है। अगर आप कोई भी देख रहे हैं, मम्मा देख रही है तो बेटियों को यूज़ करवाइए, या फिर बेटियाँ यूज़ कर रही हैं तो मम्मा के साथ यूज़ कीजिए,
ये सारी रेमेडीज वो बता रही हूँ, होम रेमेडीज बता रही हूँ, तो होम रेमेडीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। जो होम रेमेडीज होती है ना बहुत इफेक्टिव होती हैं गाइस, आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए मुझे, मेरे ऊपर। और आप जब ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। आप जब भी कहीं से बाहर से आइए और जो मैंने बताया है ना एलोवेरा जेल वाला, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। और रात में कभी भी अपने फेस पर मेकअप करके नहीं सोएंगे आप लोग, हमेशा अपने मेकअप को क्लीन करके ही सोएं हमेशा। और सिर्फ अगर आप टीनेज गर्ल हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर आप कोई भी हैं, मतलब छोटी एज वाली गर्ल्स हैं, तो वो हमेशा अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगा के सोए, फ्रेश वाला एलोवेरा जेल, और सिर्फ सो जाएं, सुबह जाके धोएंगी ना, धो लेंगे अपने फेस को, वॉश कर लेंगे, तो आप खुद पता चल जाएगा मैं कितनी अच्छी चीज़ रेमेडीज आपको दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी नया देख रहे हैं, आप लोग नए आए हो मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आएगा तो उसको ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बाय, अब मैं चलती हूँ, और आप लोग ज़रूर गिव अवे में पार्ट लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। बाय।